पतंग एक बहुत ही बच्चों में बड़ों में जो फेमस रेसिपी है वो बनाऊंगी मैगी। और मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ, कोई ख़ास वो नहीं है, सब अपने तरीके से बनाते हैं, पर मैं जैसे पसंद करती हूँ वेजिटेबल वगैरह के। तो देखिए मेरी चिकनाई, इसमें मैंने हल्का सा सरसों का तेल डाला है, मैं घी बहुत कम यूज़ करती हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी हींग। हींग फ्रेंड्स ज़्यादातर मेरी हर रेसिपी में आपको दिखेगी। अब मैं इसमें डालूँगी दो हरी मिर्चें, एक जो दो, जैसे आपको तीखा पसंद हो। मैं दो डाल रही हूँ। अब मैं थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल दूँगी और ताकि, अब मैं इसमें ये मेरी सब्जी है फ्रेंड, इसमें देखिए प्याज है, गोभी है, बंद गोभी और मटर, मैंने सब एक संग सॉटे कर लूँगी। देखिए इसे मैं बहुत निकलाऊंगी, इसलिए मैंने बारीक बारीक नहीं बल्कि मोटा मोटा काटा है। अब इसमें जो मैगी का मसाला है, मैंने आधा मैगी में डाला था और आधा मैं इसमें शेयर करूँगी। ये देखिए देखिए थोड़ा सा मैं नमक डाल दूँगी माइनर का, और थोड़ी सी मैं इसमें डालूँगी अपनी चिली फ्लेक्स। और अब फाइनली मैं इसमें मैगी डालूंगी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा गर्मी सब्जियाँ नहीं चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, देखिए कितना अच्छी तरीके से मैं इसे मिक्स कर ले रही हूँ, कितनी बिखरवा बिखरवा मैगी बनी है। ये देखिए, अगर आपको चिकनी कम लगे तो आप डाल सकते हैं, बट मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स आप एक बार इस तरीके से इंस्टेंट मैगी बना के ज़रूर देखिएगा, बहुत टेस्टी लगती है। ओके बाय बाय।